सो गाइज, अभी अभी मिली बड़ी खबरों के अनुसार गुरुवार 6 फरवरी 2020 को एक नन्हे 40 दिन के मासूम बच्चे के दिल के ऑपरेशन के लिए उसे मंगलुरु से बेंगलुरु ले जाया गया। 360 किलोमीटर की दूरी मात्र 4 घंटे तथा 20 मिनट के समय में पूरी की गई। उस मासूम बच्चे की जान को बचाया गया। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ, जानिए पूरी घटना का सच हमारी इस रिपोर्ट में। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं पूरी डिटेल्स ओनली ऑन यूट्यूब चैनल अनटोल्ड राइटर पर। सो गाइज, मैं हूँ आर के प्रजापति और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड राइटर पर स्वागत है। सो आज गुरुवार 6 फरवरी 2020 को एक 40 दिन के मासूम बच्चे को उसके हृदय रोग के ऑपरेशन के लिए मंगलुरु से बेंगलुरु पहुंचाया गया। 360 किलोमीटर की दूरी मात्र 4 घंटे तथा 20 मिनट के समय में पूरी की गई। एक्चुअली में ये 40 दिन का बच्चा हृदय रोग TAPVC, फेफड़ों से हृदय तक जाने वाली नसों में एक दोष से ग्रसित था। तो उसे इलाज के लिए बेंगलुरु के जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर तक ले जाया गया। और ये सब संभव हुआ हनीफ बलंजा नामक एक निजी एम्बुलेंस चालक की वजह से। उसने ये काम फ्री में किया, मुफ्त में किया। जब लोगों तक ये बात पहुंची तब बेंगलुरु की पब्लिक सड़क पर उतर आई। पब्लिक और पुलिस दोनों ने ही मिलकर इस काम में अपना योगदान दिया। बंगलुरु के सभी रोड्स को एम्बुलेंस को जाने के लिए खाली कर दिया गया और आखिरकार एम्बुलेंस चालक हनीफ बलंजा की मेहनत रंग लाई, बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। आज मात्र 4 घंटे तथा 20 मिनट के समय में 360 किलोमीटर की दूरी तय करना नामुमकिन सा लगता है, बट हनीफ बलंजा ने इसे करके बताया। उससे बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की पब्लिक हॉस्पिटल पहुंची और एम्बुलेंस ड्राइवर हनीफ बलंजा को उसके काम के लिए शाबाशी दी। डॉक्टर CN मंजुनाथ ने बताया कि बच्चा हृदय रोग TAPVC, फेफड़ों से हृदय तक जाने वाली नसों में एक दोष से ग्रसित है। साथ ही बच्चे को निमोनिया भी है। बच्चे को अभी वेंटिलेटर पर ICU में रखा गया है। बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, बट ये किया नहीं जा सकता क्योंकि अभी बच्चा बहुत ही मासूम है और ये बहुत रिस्की भी है। सो डॉक्टर की एक स्पेशल टीम द्वारा इलाज शुरू कर दिया गया है। खैर, आज के स्टूडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नए रिपोर्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना करें कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। खैर, गुड बाय, सी यू सून।